मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 3 एंड वी स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 195। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। चलो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है। जैसे वन टॉय जिराफ, एक जिराफ का टॉय है, वन कॉपी, बुक्स को कॉपी भी बोलते हैं, एंड वन ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो कितना होगा टोटल? तो चलो देखते हैं कि ये 6.50 है, ये 5 है ना, तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 11 के बाद 12, 13, 14 और यहाँ पर 50 है, तो क्या होगा 14.50 रुपीज़। वन ग्लास ऑफ मिल्क 3.50, वन पैकेट ऑफ बिस्किट यानी 4.50, तो 3 प्लस 4 7 और 50 प्लस 50 करेंगे 100 यानी 1 रुपीस हो गए। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 एंड 1 बनाना, एक बनाना है, तो 8 प्लस 1 9, 9.50। वन नोटबुक, एक नोटबुक, उसके बाद दो पेंसिल यानी 2.50 करते हैं तो 5 रुपीज़ होते हैं, और 5 प्लस 5 10, और टू इरेज़र तो 10 और 2 तो 12 रुपीज़। टू टॉप्स मतलब 2 प्लस 2 4, थ्री टॉफी यानी 1.50 होगा, तो टू टॉप्स यानी 4 प्लस 1 3.50 एंड 2 बनाना तो 3। एक मिनट, टू टॉप्स के कितने हो गए 4, उसके बाद थ्री टॉफी तो उसके हो गए 1.50 और उसके बाद है 2 बनाना, तो 2 बनाना के कितने हो गए 3 रुपीज़, तो 5, 6, 7, 8 तो 8.50 रुपीज़, 8.50 रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट कैन यू बाय इफ़ यू हैव 20 रुपीज़। चलो ये आपका होमवर्क है, अगर आपके पास 20 रुपीज़ है तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिए कि वन टॉय कार यानी एक कार खरीद सकते हैं, एक लेमन जूस खरीद सकते हैं और एक बनाना, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी उसमें से कितने पैसे बचे हैं वो उसमें से आपको ये ऐड करके अपने आप लिखना है। यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर थिंग्स यू ब्रॉट बिफोर एडिंग। फर्स्ट गेस्ट हाउ मच मनी विल बी नीडेड, देन फाइंड द टोटल एंड चेक योर गेस। ये आपको किस तरीके से करना है मैं आपको इसमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कैश मेमो बनाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कैश मेमो। उसने यहाँ पर एक कैश मेमो बनाया, चेक द कैश मेमो एंड करेक्ट हेम इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। अभी आपको पहले हम ये देख लेते हैं उसके बाद ही बनाएंगे, ठीक है, वो भी आपका होमवर्क है। मैं कैश मेमो बनाना है वो किस तरीके से, जैसे उसमें तो सब लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस स्टोर, फिर आइटम, तो जैसे फर्स्ट उन्होंने एक बॉल लिया है, 3 पेंसिल ली है और 5 टॉफीज ली है, सबका रेट लिखा है पर आइटम। पर आइटम मतलब क्या कि एक चीज़ का कितना प्राइस है वो, तो जैसे एक बॉल का 7 रुपीज़ है तो टोटल 7 ही हो गए, फिर 3 टॉफी तो एक उसमें से 3 टॉफी ली है, ठीक है, तो एक टॉफी का क्या है 50 पैसा, सॉरी 3 पेंसिल है तो एक पेंसिल के कितने हैं 2.50 पैसे, तो 3 पेंसिल के कितने हुए 7.50। यहाँ पे रुपीज़ और पैसे का अलग अलग जो है वो कॉलम बनाई हुई। उसके बाद 5 टॉफीज, तो 5 टॉफीज के 2.50 यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, कि एक टॉफी के तो 50 पैसे है, तो यहाँ पे 50 पैसे उन्होंने नहीं लिखे, डायरेक्टली लिख दिए, तो 0 प्लस 0 का 0, 5 प्लस 5 0 1, 7 प्लस 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, तो ये आंसर हुआ। उसी तरीके से वन टॉय है तो 15 रुपीज़, 3 ग्लास ऑफ मिल्क है तो 3.50, उसका टोटल होगा 10 रुपीज़, फिर 4 नोटबुक का 5 तो 4 है तो 5 4 20,
तो उसी तरीके से इसका टोटल किया है और यहाँ पे भी इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको सिर्फ बुक में ये देखना है और यहाँ पे आप कौन सी चीज़ें खरीद रहे हो उसके रिलेटेड बनाना। उसके बाद जो है ऐड एंड सबट्रैक्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।